हाय फ्रेंड्स, मुँ अवनी प्रधान मुँ आपण मानक स्वागत करछि मा जोगमय अवनी प्रधान यूट्यूब चैनल को। ताले आज आम जानिबा दोकानर बेपार बढ़ाइबा मंत्र, दोकान को ग्राहक डाकिबार मंत्र, उपाय करिबा मात्रे बिक्री बढ़ी जिवो सही गुणा। तो फ्रेंड्स, ए बाबद कहवा पूर्व मुझे आपठी कही रखुच्छी जदि आपर्यंत आम चैनल टी सब्सक्राइब करना तले लाल बटन तापर घंटी टी दबे आम चैनल टी प्रथम सब्सक्राइब करनी एवं तत्संगे संगे जदि भिडियो भल लगुए तो लाइक करूँ, कमेंट्स करूँ, सेयार करूँ। आज्ञा हाँ, सेयार तो निश्चित करूँ, कारण आपण गोटे सेयार हुए तो अन्य कहारी जीवन में उपकार आनीदेव, तेणु सेयार करने को जमा भी भूल। तत्संगे संगे मुझे कही रखुच्छी जदि आपर कौन प्रकार ताबीजर आवश्यकता था जमीक वशीकरण समहन बेपार वृद्धि नजरदोष एथपाय जदि कौन प्रकार ताबीजर आवश्यकता है आपण आम सहित जोगाजोग करेंगे। सहित ये मानसिक ठाकुरणी माँ जोगमाया को गृह जदि आप प्रतिष्ठा करने चाहू था निर्गुणी मदांगर प्रतिष्ठा सर्वग्रह वशीकार निर्गुणी मदांगर प्रतिष्ठा गृह किलण होमयज्ञ यू जदि आम द्वारा करने चाहू था दि जा नंबर में आपण निश्चित भाव में जोगाजोग करेंगे। ओडिशा समेत भारत अनेक प्रांत में माँ जोगमाया को गृह प्रतिष्ठा करी अनेक लोक अनेक चमत्कार फल पाई सारी आपण गृह माँ जोगमाया को करंतु प्रतिष्ठा आउ देखंतु चमत्कार। तो फ्रेंड्स, आसंतु टॉपिक ऊपर को दोकानर बेपार बढ़ाइबा मंत्र, दोकान को ग्राहक डाकिबार मंत्र, उपाय करिबा मात्रे बिक्री बढ़ी जिवो सही गुणा। कौन आज्ञा आपण को दोकान को ग्राहक कम आ एवं बिक्री कम हबार चिंतित अच्छा कि बिक्री कम हवा निजर व्यवसाय ठीक रूपे न चलिबा एथिपाय व्यक्ति बहुत चिंतित हो जाय थाए। बेपार आमदानी निज दोकान रु आसी थाए जो थुरु तांकर गुजुराण चली थाए घर खर्च हो थाए किंतु आज महंगाई दुनिया रे धंदा जदि ठीक रूपे न चलिबो तबे घर जरूरी खर्च पूरण हो पारे ना। तबे चलत दर्शक बंधु, मुझे आपण मानक एमती किसी उपाय बतेबी जहाद्वारा आपण मानकर बेपार वृद्धि आसव एमती किसी मंत्र कह जार उच्चारण से आपण दोकान बिक्री बढ़िया संगे संगे ग्राहक मानकर भिड़ लग आपण व्यवसाय बढ़ी चलो। कौन सी कार्य करने पूर्व लोक मैंने या भावती कि एमती कौन करी जहाद्वारा मोर व्यवसाय ठीक रूपे चलो एथपाय लोके ज्योतिष तांत्रिक साधक यही जाई थांती एवं सेमानकर सहाय्य नहीं थांती सेमानकर कहिबा अनुजाय मध्य काम करी थांती एवं निजर व्यापार करी थांती। आज मु आपण मानको किछि उपाय एवं किछि मंत्र कहिबी जहार प्रयोग कर निश्चय आपण सफल पाई परिबे। ताले आसंतु जानिबा दोकान को ग्राहक डाकिबार मंत्र। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्मो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आउ थरे कहि रखुछि, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्मो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एही मंत्र को आपण जप किपरि करिबे सकाळु दोकान खोलिबा समय रे आपण सात बार एही मंत्र को जप करी यापर दोकानर सटर किंवा दरवाजा खोलंतु। एबे दोकान को जाई पूजा अर्चना करी कामरा आरंभ करंतु। एहा छडा जेतेबेले आपण भोजन करने को जाउछंती बा भोजन करने को बसुछंती सेतेबेले गाई एवं काऊ पक्षीक पई किछि भोजन बाहर कर दियंतु एवं सेमानको खाइबा को दियंतु। एहा द्वारा आपणक व्यवसाय रे निश्चित भाव में वृद्धि हेबो। दोकानर थिबा सेल्समैन माने पोखराजर माळी धारण करिबार निहाति आवश्यक। सकाळ उठी प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करंतु ए सब दोकान को ग्राहक डाकिबार उपाय आपण को तो मु मंत्र बाबद आमे जानिबा बेपार बढ़िया पई किछि उपाय जेतेबेले आपण दोकानर आरंभ करिबा को जाउछंती सेतेबेले रूपार एक पात्र रे धनिया ढाळंतु एवं ता उपरे गणेश एवं माता लक्ष्मीकर रूपार मूर्ति स्थापन करंतु। एबे एहाकु दोकानर पूर्व दिगरे स्थापन करनियंतु। दोकानर माटीर चारोटी घड़ी रखंतु एथिरे धला सोरिष जौ कोला राशि गोटालिया हरा मुग डाली ए सब को भरी आपण दोकानर केउठारे मध्य रखि दै परिबे। एहाकु गोटिए वर्ष पर्यंत रखंतु गोटिए वर्ष पूरा हो जा परे ताहाकु आपण बाहर करी दोकान बाहर करी आपण
ଜଳରେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ। ଦୋକାନରେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବିଧି ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରିଲେ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାନ ଖାଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାନ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଡିମ୍ଫ ଥିବା ପାନପତ୍ର ଦୋକାନକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଖାଇକରି ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନିଆ ଚୋବାଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିରା ଖାଇକରି ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦହି ଖାଇକରି ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଅଦା ଖାଇକରି ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ କେହି ଗୁଣିଟୁଣି କରି ବନ୍ଧନ କରିଛି ବା ଗୁଣିଟୁଣି କରିଛି ତେବେ ଆଠଟି ଅକ୍ଷତ ଡିମ୍ଫିଥିବା ପାନପତ୍ର, ପାଞ୍ଚଟି ପିପଳର ପତ୍ର ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଶନିବାର ଦିନ ଦୋକାନରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଗୁଣିଟୁଣି କରିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଧନ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ବେପାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଡାକିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଯୋଗମାୟା।